हेलो 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 हेलो, एक बार और कह दे हेलो। गुड। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आज 30 जनवरी है और इतवार है। आज हम लोग जा रहे हैं गौशाला, और गौशाला में क्या क्या होता है और आज के दिन में क्या क्या होता है मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। चलिए आपको ले चलती हूँ गौशाला की ओर। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं गौशाला की ओर। कि मैं घर से निकल गई हूँ और गेट खोल दिया है। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। क्या? अरे घास ले जा रहा है? तू भी ले जा रही है? तेरा भैया है ये? ना तो बहन है इसकी छोटी। अच्छा बहन है ये? अच्छा, चलो ले जाओ ले जाओ। हेलो बकरी, हेलो 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 हेलो, एक बार और कह दे हेलो। गुड। इसका नाम है रॉकी। अच्छा हाँ। रॉकी, हेलो रॉकी, क्या कर रहा है? ये हमारी पड़ोस की ताईजी हैं और ये भी हमारे साथ गौशाला में आ रही हैं। ताई जी, आपको गौशाला जा रहे हो? गौशाला जा रहे? हाँ। गौशाला जाने का मन हो गया आज? हाँ। हम गिरधर गोपाल गौशाला में पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये गौशाला है, अंदर गाय बंधी हुई है। गौशाला की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बच्चा हुआ है जो मैंने पहुँचाई वो। अच्छा अच्छा, तो खिलाई खिलाई सबको खिलाई। अब यहाँ ठीक है तू? ठीक है, फिर आऊंगी तेरे को देखने। मेरी को ये वाला को छोड़, ये वाला पहुँचाया मैंने। ये कहाँ से पहुँचाया? मेरे घर के पास पता नहीं कौन छोड़ गया। अच्छा, क्या छोड़ गया था कोई? हाँ, फिर मैंने पहुंचाया, ये बेचारे ने कोई पुष्पा दी ने बात कर दी। ये देखिए भूसा, और ऐसे ही 3-4 ट्रक आ गए हैं, 3-4 ही टेम्पू में आ गया है। ये हमारी पुष्पा जी हैं, दूसरी मैडम है, ये हमारे सारे गौ भक्त हैं, हमारे सारे गौ भक्त हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मंजू शर्मा। ये मंजू शर्मा जी हैं और यहाँ पर गौशाला में आई हैं और गाय के लिए दान पुण्य के लिए सभी लोग, सभी साथी मिलकर जो है यहाँ पर दान कर रहे हैं, भूसे का, हरी चरे का। तो आप भूसे के बारे में, ये चरी के बारे में, या कोई गाय के खाने के बारे में कुछ बताइए। हाँ, भूसे के बारे में, भूसे की ये है कि देखिए रेट महंगा हो गया है, लोग कैसे अफोर्ड करेंगे इतना। 1600-1700 रुपये कुंटल इस समय हो गया है सर्दी में। एक तो वैसी परेशानी होती है लोगों को कि कहाँ से चारा दिया जाए, क्या लोगों का इतना पॉकेट मनी भी नहीं है कि लोगों को और कि इतना यहाँ चारे की व्यवस्था करे। अगर हर आदमी इसका ध्यान रखे ना कि 100-200 रुपये इकट्ठा करे तो भूसे की व्यवस्था आराम से हो सकती है। लेकिन लोग अपने पॉकेट में से बिल्कुल भी गाय के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं। और भूसे का रेट, जबकि एक जनरल एक फिक्स प्राइस होना चाहिए इस टाइम पर, गवर्नमेंट को होना चाहिए कि सर्दी के दिनों में भूसे का रेट फिक्स हो। Thank you.
अच्छा, तो आप इनका भूसा चारा इसका इंतजाम कैसे करते हो? देखिए ये जैसे आप आए हैं अभी जी, तो आपने सहयोग कर दिया भूसे का या चोकर का, इसी तरह कभी कभी कोई आ जाता है, वरना हमें स्वयं करना होता है। अच्छा अच्छा, ये गौशाला की स्थिति तो खास नहीं दिख रही है। हाँ हाँ, वो इसीलिए गाय भी नहीं बढ़ा रहे क्योंकि बहुत महंगा हो चुका है, भूसा चोकर इतना महंगा हो गया कि अफोर्ड नहीं हो पाता। अच्छा। इसलिए हम लोग ज़्यादा गाय भी नहीं बढ़ा रहे यहाँ पर। अच्छा अच्छा, यही रीज़न हुआ। तो सरकार से आपको कोई मदद नहीं है इसमें? नहीं नहीं नहीं, पिछले 8 साल हो गए कोई इस तरह की कोई मदद नहीं मिली। ओहो, चलिए आप कुछ कहना चाहेंगे फिर लोगों से, अपील करना चाहेंगे कुछ? बस मैं लोगों से यही चाहता हूँ कि थोड़ा सा इधर ध्यान दें गौशाला की तरफ, क्योंकि हम लोग भी कहाँ तक अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो हाथ जोड़ के विनती है कि हो सके कुछ लोग यहाँ आके थोड़ा सा सहयोग करें। हमारे गौ आश्रम का काम पूरा हो चुका है, अब हम लोग घर जा रहे हैं। ये सरदार की कोठी के पास हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर सब्जियों की दुकानें, फलों की दुकानें सब लगी हुई हैं। और ये है चाउमीन बन रहा है, यहाँ पर चाउमीन की दुकान है। बर्तन धोने के लिए पानी रखा हुआ है, जब चाउमीन वालों ने रखा है ये बर्तन। लल्ली सोई है, अब मैं आ गई हूँ अपने घर में। देखिए कितना सुंदर फूल खिला है मेरे गमले में। खोलो दरवाजा। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार पैलार।